सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं थोड़ा होस्ट डॉक्टर गुरशेर, डॉक्टर गुरशेर ब्लॉग्स दे विच थोड़ा एक बार फिर स्वागत करते हैं। अज की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं, अगर थोड़ियां लत्तां सौंदियां ने जां थोड़े लक दे विच जकड़न हो गई है तां किहड़ियां कसरतां करनियां चाहीदियां ने, किहड़ियां एक्सरसाइज करनियां चाहीदियां ने। कई बार की हुंदा आपां सुते पए हुंदे आ और आपणियां लत्तां सौं जांदियां ने, कई बार की हुंदा वी आपां चलदे चलदे इक लत्त सौं जांदी है, कई बार की हुंदा इक लत्त सौंदी वी है नाल दी नाल उस दे विच दर्द भी रहिंदा है। हुंदा की है जदों अपनी स्पाइन ते डिस्क दा प्रेशर पएगा, जदों डिस्क दो मणकियां दे विचाले हुंदी है, जदों डिस्क दे उपर प्रेशर पएगा उह डिस्क आपदी जगह तों हिल के अगे जाके स्पाइन नूं टच करेगी, जिस नाल ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज होएगी जां ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होएगी, जिस करके अपने लत्तां दे विच जिवें सुन्नापन रहिण लग जांदा है, सौं जांदियां ने। सो किहड़ियां आपां नूं कसरतां करनियां चाहीदियां ने अज्ज दी वीडियो दे विच उही डिस्कस करांगे। यह कसरतां बड़ियां सौखियां ने, 3 तों 4 कसरतां तुहानूं आपां दसणियां अज्ज दी वीडियो दे विच, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। अगर तुसीं मैनूं नहीं जाणदे, मेरा नाम डॉक्टर गुरशेर सिंह सराह, पिछले 10 साल तों असीं मुल्लापुर लुधियाणा पंजाब दे विच अपना क्लीनिक रन कर रहे हां, जिथे असीं रोजाना पेशेंट देखते हैं। और साडी इंस्टाग्राम आई डी है एस हरी सिंह सराह फिजियोथेरेपी और दूसरी आई डी है डॉक्टर गुरशेर सिंह। फेसबुक ते भी साडा पेज है एस हरी सिंह सराह फिजियोथेरेपी क्लीनिक दे नाम ते, सानूं उत्थे भी फॉलो जरूर कर लो। और अगर तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब भी जरूर कर लो, तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करिए, स्टार्ट करते हैं अज दी कसरतां वाली वीडियो। कि तुसी भी दर्द तों परेशान हो तां अज ही ऑर्डर करो टोटली आयुर्वैदिक कबीर पेन लीफ ऑयल। किसी भी जोड़ां दे विच तुहाडे दर्द है, लक दे विच दर्द है, गोड्यां दे विच दर्द है, मोढ़ियां दे विच दर्द है, इस दीआं तुसी 10 तों 12 बूंदां हाथ ते पा के और दर्द वाली जगह ते अप्लाई कर देना है 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਅਗਰ ਸੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਕ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 8909000064 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਲਮਕਣ ਦਾ, अगर तुसी यंग हो तो लमक भी सकते हो, मान लो थोड़ी उम्र 40 साल तो पहला वाली है, तो तुसी सब तो सौखा तरीके लमक जो जो लमकांगे मणके एक दूसरे तो दूर जाएंगे और जो डिस्क है वो अंदर आ जाएगी और ब्लड सप्लाई चल पेगी। सो ये भी हो जाता है डिस्क बल्ज दे विच। हुण गल करन लगे हाँ, अगर थोड़ी एज ज़्यादा है और तुसी लमक नहीं सकते जां लमकना तुहानूं औखा लगता है, तो हर एज का बंदा एक कसरत कर सकता है, हर उम्र का बंदा एक कसरत कर सकता है। तुसी कोई भी उच्ची जगह इदा लभ लेनी है जिवें उच्चा बैड है, ये अगर नहीं होएगा तो तुसी उच्चा करे गदैले ला ला के ना उच्ची बना लेनी है जगह। और दैन तुसी की करांगे, आपां इस नूं इदा पकड़ के इदा इस दे उपर लेट जाना और लत्तां उपर चक देनियां, इत्थे आपां ढिल्ला छड्ड देना सारा कुछ, लत्तां फोल्ड भी कर सकते हैं पर जिन्ना आपां छड्डांगे उन्ना ही इस जगह ते डिस्ट्रैक्ट होएगी जगह, एक दूसरे तो दूर जाएंगे। इतने आप होल्ड करांगे 15 सैकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैन हौली हौली तुसी वापस आ जाना। यही होगी थोड़ी नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन की ही एक्सरसाइज, जो कि आप एक काउच के जरिए की। ये देखो लक तक आना चाहिए, इसके कोले गए उपर हो गए और इसके उपर लेट के लत्तां उपर चक देनियां, इतने होल्ड करना 15 सैकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैन रिलैक्स। इस कसरत दे तुसी 5 सैट लाने ने। यह होगी थोड़ी नंबर 1 एक्सरसाइज, जिसनों डिस्ट्रैक्शन एक्सरसाइज कहा जाता है। हुण दूसरी एक्सरसाइज करके दिखावांगे, वह भी बैड पर करांगे, थोड़ा बाहर आ जाएंगे आप बैड। दूसरी एक्सरसाइज की करांगे, आप बैड तो हर एक दे घर हुंदा, इदां बैड ते तुसी हौली हौली बाहर आ जाना जिथे तक लक है अपना, और दैन इस जगह ते आप नीचे लेट जाना इदां करके। इत्थे आप 15 सैकेंड होल्ड रखांगे, अगर लत्तां उपर चक्कियां गईआं तां किसे नूं फड़ा भी सकते हो, नहीं एड्डी भी गल नहीं, जदों सिर नीचे लग जाएगा तां तुहाडा जो लत्तां ने उह ऑटोमैटिकली टिक जाणगीआं। इत्थे आप 15 सैकेंड होल्ड करांगे, 1 2 बिल्कुल ढिला छड़ देनी बॉडी, इस जगह पर डिस्ट्रैक्शन खिंच पेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैन 11 12 13 14 15, दैन रिलैक्स, फिर वापस चलिए, दैन तुसी
बिल्कुल सीधे होके लेट जाना इदा करके आराम नाल। ये हो गया एक बारी, इदा तुसीं 5 सेट लाने ने। दोबारा देखो एक बार होर करके दिखाने हैं, आउटर ते आ गए और हौली हौली नीचे चले जाना इदा करके। इत्थे आपां होल्ड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। ये होगी थोड़ी दूसरी कसरत। ये करके फिर तुसीं आराम नाल लेट जाना इदा पुट्ठे ही और दैन रेस्ट करनी। इस दे तुसीं 5 सेट लाने ने। ये होगी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन की ही दूसरी कसरत। हुण तीसरी करके दिखाउण लगे हां। हुण आपां गल करन लगे हां तीसरी कसरत। तुहाडे कोले किलो दा भार चाहीदा है, इस नूं तुसीं अपने जो गोडा इहदे आले दुआले लपेट लेना है। इदां करके किलो लिफाफे च पा लेने, बजरी रेता कुछ भी पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी सज्जी लत्त सौंदी है जां दोन्हें लत्तां सौंदियां ने, दोनों साइड करांगे। फॉर एग्जाम्पल अपनी सज्जी लत्त सौंदी है, आपां इदां पौड़ी ते खड़ जाएंगे और इस लत्त नूं नीचे लटका देंगे और इदां इस नूं पेंडुलम तरह जिवें किश्ती चलती है इदां हिलाई चलांगे आपां 10 तों 15 बार। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 देन रिलैक्स। इस दे तुसीं 5 सेट इस साइड, 5 सेट दूसरी साइड। अगर दूसरी लत्त सौंदी है तां नहीं, एक साइड ही कर लेना। इधरली साइड किवें करांगे? इदां करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन रिलैक्स। ये होगी थोड़ी पेंडुलम एक्सरसाइज और इसनों भी तुसीं 5 सेट दोनों साइड लाने हैं। अगर दोनों साइड है, एक साइड है तो एक साइड लाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज की है। सो लास्ट कसरत करन लगे हाँ। सारिया कसरतां ध्यान नाल करनियां ने तुसीं, किसी भी कसरत दे विच काली नहीं करनी। अगर किसी भी कसरत दौरान थोड़े दर्द होण लग जाए उत्थे कसरत बंद कर देनी है, जां तुसीं अपने फिजियोथैरेपिस्ट नाल सलाह करो जां तुसीं साडे नाल भी संपर्क कर सकते हो। सो कसरत करन लगे हाँ लास्ट, दोनों गोडे मोड़ लेने हैं, लक उपर चक देना। इतने आप होल्ड करांगे 10 सेकेंड। प्रॉपर ब्रिज बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। फिर उपर चक देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। फिर उपर चक देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस दे तुसी 5 सेट लाने ने। यह होगी थोड़ी ब्रिजिंग। होर केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना? सो ये सन कसरतां जिहड़ियां तुसी सवेरे दुपहरे शाम करनियां ने। नाल दी नाल तुसी सेक भी जरूर देना है और इस जगह ते मालिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर तुसी ये सारियां कसरतां रोजाना करोगे तुसी देखोगे 1 महीने दे विच विच थोड़ा जो लत्तां सौणियां शुरू हो गईयां ने उह तंदरुस्त हो जाणगीयां। उम्मीद करदे हां वीडियो चंगी लगी होवेगी। मिलांगे जल्द एक नवें टॉपिक नाल। टिल दैन सारे जणे अपना ध्यान रखियो और अगर इस वीडियो रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सत श्री अकाल जी।